नमस्कार, आप देखते हैं द न्यूज नाउ और मैं हूँ आपका महक। जिस तरह से आप जानते हैं, कुछ दिन पहले जो है बीजेपी के मेंबर को टेरिस अटैक किया गया, मध्य प्रदेश से पुलिस जो है लौट गए थे और उन्हीं के चलते आज जो है भाजपा के, अगर हम बात करें भाजपा के द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया, भाजपा की अगर हम बात करें बसंत राव ठाकुर जी की, तो वो हमें नाम संतोष ठाकुर है, भारतीय जनता पार्टी बीडीसी सल का इंचार्ज हूँ जम्मू कश्मीर का। मेरे साथ सारी बीडीसी सल की टीम है। आज इस डोगरा चौक में जो कर्फ्यू खुली हुई है कुटवाड़ा के अंदर बीडीसी के जवानों की, जिन बीडीसी के जवानों ने 25 साल से इलाकों को बचाया है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब से भारत के अंदर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से जम्मू कश्मीर का वातावरण शुद्ध हुआ। उस शुद्ध के कारण, क्योंकि गांव के अंदर लोगों के पहाड़ों पर जमीने हैं, तो भेड़ बकरी चाहते हैं कि गरीब लोग हैं, किसान हैं, जो बीसी के लोग, क्योंकि उनके लोग उन लोगों से बताओ तो हमारा जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां बची है और कुटवाड़ा की पहाड़ियां बची है। आज जो लोग भेड़ बकरी चलाने के लिए वहां पर चले गए थे, एक चलाकी के साथ मिलकर कहां से आए, उन्होंने उनको शहीद कर दिया गया। हम उन लोगों को भी चेतावनी देते हैं आपके माध्यम से कि भारत की सरकार इतनी कमजोर सरकार रही है कि वो आपको जो 10 सालों में जो आपको मदद सिखाया उससे ज्यादा सिखाएंगे, और आपने गलती से उन गरीब लाखों देशभक्त लोगों को वहां पर कुचला है। उनका जो बलिदान वहां पर है वहां है, उसको हम कभी भी खाली होने नहीं जाने देंगे, क्योंकि आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दूसरे उनके परिवार से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको हिम्मत आए, उनके परिवार को जो सदमा सहने का हिम्मत आए उनको। दूसरी एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब से जम्मू कश्मीर के अंदर जो देशद्रोहियों की सरकार बनी है, इन आतंकवादियों को एक सपोर्ट मिलने जा रही है। हम आज इस मजबूत मंच से, भारतीय जनता पार्टी के मंच से, इन लोगों को चेतावनी देते हैं और देश की सरकार से हम निवेदन करते हैं, इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जो लोग वहां पर फिर लोकवान करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को तबाह करना चाहते हैं, ये किस किस्म की यहाँ पर गवर्नमेंट चाहते हैं। गवर्नमेंट की तो बात करते नहीं, 370 को 70 की बजाय कश्मीर खाली हुआ, द्वारा किसी की पहाड़ियां खाली हुई, क्या ये फिर चाहते हैं यहाँ पर ऐसा करते, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट करनी चाहिए, वो बात असेंबली में करनी चाहिए। हमारे 28 लोग अंदर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी है एक देशभक्त सड़कों पर लड़ेगा, उन देश को भूल चुकाएंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि उस हालात में नहीं हटे। आज तो देश के अंदर मजबूत सरकार है, इस ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपको किस यहाँ पर भेजा गया है, आपको लोगों के बारे में भेजा गया, लोगों की मुश्किल के बारे में भेजा गया। आप 370 को याद कर रहे हैं, जिस 370 जम्मू कश्मीर को तैयार कर रहे हैं, क्या ये स्टेट मांग रहे हैं? स्टेट तोड़ी गई हम लोगों ने, उनकी ना उनके कमे तक के उनके पाकिस्तान के एजेंट बनकर काम करते रहे, यहाँ पर इसी स्टेट को तोड़ा गया। जो है वो एक प्रदर्शन भाजपा के बसंत ठाकुर जी के द्वारा जो है वो किया गया, जिसमें श्री विजय जी मेंबर की अगर हम बात करें तो उनको लेकर जो है वो आज एक प्रदर्शन जो है वो किया गया। आप जानते हैं कि वो जो है वो शहीद हुए थे, उसके बाद आज यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो उनके द्वारा करवाया गया। वो तस्वीरें आपको हमने जो है वो डोगरा चौक से बताई, जिसमें एक बड़ा प्रदर्शन जो है भाजपा के द्वारा देखने को मिला। अब आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहो द न्यूज़ नाउ।